सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, एक बार फिर से हमारे सारे सवालों का जवाब देने हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं हमारे मित्र सीए कशिश गुप्ता जी पक्ष लीगल से। तो आज का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आज का सवाल ये है कि जो ये 2A vs 3B के नोटिस आ रहे हैं डिपार्टमेंट से, तो इसका क्या रिप्लाई दें? और बहुत सारे हाई कोर्ट अपनी जजमेंट दे रहे हैं कि भैया इस तरह के ITC के लिए आपको कोई डिमांड जमा नहीं करनी, तो इस पर आपका क्या व्यू है प्लीज़ हमें बताइए। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, और मैं भी ऑडियंस का रिस्पांस देखता हूँ और अच्छी बात है कि व्यूज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है और आई थिंक आप उसे फॉलो भी कर रहे होंगे। और जैसा कि आज की वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि वेरियस हाई कोर्ट्स इस पे रिलीफ दे चुकी हैं और रिलीफ आया है तो सबके माइंड में फिर से वही चाह उठ रही है कि 2A तो कुछ भी नहीं है, जो अगर मैंने अपने सप्लायर को टैक्स का पैसा दे दिया तो मेरा ITC डिसअलाउ नहीं होगा, जैसे कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था विच हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जी। हालांकि अभी तक इसमें कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक नेगेटिव डिसीजन था, वो भी सुप्रीम कोर्ट से अफर्म था, तो GST में पोजिशन क्लियर नहीं थी। तो मैं ट्राई करता हूँ एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जो भी 2A 3B का हमें करना चाहिए। राइट, इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो भी रेफर कर सकते हैं जो 2A vs 3B पे रिकॉर्ड हुई थी, उसमें मैंने अपना रिप्लाई भी आपको दिखाया था जी। तो जो मेन 2A 3B का लो है वो ये है कि आज की डेट में रूल 69 अगर आप पढ़ते हैं, जो प्रोविजनल ITC की मैनर प्रिस्क्राइब किया गया, उसमें ये लिखा है कि जब तक GSTR 1 और 2 डेफर्ड है तब तक मैचिंग भी डेफर्ड है। राइट, तो अभी अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की हम चेंज देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, ऑफिसर्स ने उन रूल को फॉलो करना है। राइट, तो अगर सरकार ने ही रूल बनाया है कि अभी मैचिंग को डेफर करो तो बात ही नहीं उठती है कि आप रिकवरी को एनफोर्स करें कि 2A में नहीं आ रहा। आप वो वाली मैचिंग की बात कर रहे हैं जो हमारी सेक्शन 42 और 43 में लिखी हुई है। हाँ जी हाँ। और जिसमें MIS 1 MIS 2 की मैचिंग वाली बात कर सब रहे हैं। उसमें ये भी पॉइंट आ जाते हैं कि अगर मैंने कोई ITC क्लेम किया है और वो 2A में नहीं आ रहा तो उसको भी वो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आज की डेट में मैचिंग का लो ही नहीं है तो उसकी रेपरकशन भी नहीं होनी चाहिए। क्या पता सरकार क्या बोलेगी, ऑफिसर वही करेगा ना जो सरकार बोलेगी। राइट राइट, तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट पे रिकवरी होनी नहीं चाहिए, ऑफिसर के पास पावर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। लेकिन नोटिस तो बहुत आ रहे हैं। नोटिस तो आएंगे क्योंकि वो उन्होंने तो अपना मैच करना है, असेसमेंट करनी है, लेकिन वी आर सेइंग कि लो क्या है कि लो उनको रिकवरी की पावर नहीं देता है। Right. अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, जो रिसेंटली काफी हाई कोर्ट्स की डिसीजंस भी आए हैं और इंडस्ट्री को अप्रोच क्या लेना। अब ये कह के तो हर कोई निकल जाता है कि लो नहीं है, हाई कोर्ट चले जाओ, ये करो आप, रिप्लाई लीगल सबमिट करो, लेकिन हमें एक्शंस क्या लेने हैं ग्राउंड लेवल पे। तो वो एक्शंस लेने क्या है उसकी मैं एक एक करके स्टेप्स बताता हूँ जो रिसेंट हाईकोर्ट के डिसीजन से ही लर्निंग्स हैं। एक हाईकोर्ट का डिसीजन है जी, झारखंड हाईकोर्ट का, JJ Enterprises। ओके, इस हाईकोर्ट के डिसीजन में रेसिपिएंट ने क्या किया, अपने सप्लायर को पार्टी बना के हाईकोर्ट में रिट डाल दी। ओके, और हाईकोर्ट में बोला जी मैंने सप्लायर को पैसा दे दिया है, सप्लायर ने पता नहीं क्यों रिटर्न में मेरा GSTN दिखाया नहीं है, जिसकी वजह से मुझसे रिकवरी की जा रही है। ओके, मैं रेडी हूँ इंस्पेक्शन करवाने के लिए, सप्लायर को भी कोई इश्यू नहीं है कोऑपरेशन करने में, तो डिपार्टमेंट आए अपना क्लेम वेरीफाई करे और मुझे माफ करे। तो झारखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भारतीय एयरटेल था उसमें जो सप्लायर था कि वो कोऑपरेट है, कोऑपरेट करने को रेडी है और वो अपना ITC अपना सप्लाई कोऑपरेट कराए, वेरीफाई करवाए और रेसिपिएंट के साथ अगर वो मैच होता है तो डिमांड ड्रॉप की जाए। अब इसमें इश्यू क्या आता है, इश्यू ये आता है कि मैं सप्लायर हूँ दिल्ली का, रेसिपिएंट है उत्तर प्रदेश का, जो मैंने गलती से इनवॉइस डाला वो है आंध्र प्रदेश का GSTIN। तो गवर्नमेंट को इश्यू ये आता है कि क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो ये क्रेडिट आंध्र प्रदेश में चला गया, तो इसका हम अगर मैच हो भी गया है, अगर मिस्टेक अपेरेंटली विजिबल भी है, तो मैं इसका क्रेडिट कैसे दूं दिल्ली वाले रेसिपिएंट, यूपी वाले रेसिपिएंट को। बिल्कुल, तो इसमें क्या करना चाहिए, जो मेरी सोच है, जो इन माय लिमिटेड नॉलेज, इस केस में सप्लायर को सेक्शन 77 में क्लेम डालना चाहिए कि जी मैंने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई पे टैक्स पे कर दिया है, मुझे उसका रिफंड दिया जाए और
मैं विद द प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश मैं नया टैक्स पे करूंगा और उसका क्रेडिट रेसिपिएंट को दिया जाए, मीनिंग देयर बाय कि सेक्शन 77 की इन बोनाफाइड केसेस, आई एम सेइंग इन बोनाफाइड केसेस, ओके, एक वेरी वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन, वेरी वेरी एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन इसकी दी जाए, इसका स्कोप बहुत वाइड किया जाए और ऐसे केसेस को ऐसे रिजोल्व किया जाए। लेकिन मेरा मानना इसमें अलग है। अब आप एक चीज समझिए, मैं दिल्ली में बैठा हुआ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैंने जो सेल डालनी थी यूपी में डालनी थी लेकिन मैंने आंध्र प्रदेश में डाल दी। हाँ जी। लेकिन उस वाले केस में मैंने दिया तो आईजीएसटी ना, दिया आईजीएसटी, मैंने दिया आईजीएसटी। और अगर मैं 3B की बात करूँ, 3B में मैंने टैक्स पे किया है, 3B के अंदर तो आईजीएसटी जाता है, वो ये तो जाता नहीं किस स्टेट का गया है। हाँ जी। वो तो सारा जाता है GSTR1 का। तो अगर मैं वहां पर सेक्शन 77 लगाऊंगा CGST एक्ट का या सेक्शन 19 लगाऊंगा IGST एक्ट का, जिसमें ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपने रॉन्ग पेमेंट कर दिया, तो मैंने तो रॉन्ग पेमेंट भी IGST ही करा है ना, और मुझे करेक्ट भी IGST करना था। तो यहाँ पर अगर सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई की बात है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैं GSTR1 से चेंज कर सकता हूँ। और अगर मेरा GSTR1 से टाइम निकल गया, क्योंकि दिक्कत तो तभी आ रही है, तभी आ रही कि मैं GSTR1 चेंज नहीं कर सकता, तो अगर मेरा टाइम निकल गया, तो अगर मैं इंडेमनिटी बॉन्ड पर मेरा सप्लायर लिख कर दे देता है या किसी लेटर हेड पर मेरा सप्लायर ये लिख कर दे देता है कि भैया गलती से ना ये वाली सप्लाई जो थी आंध्र प्रदेश की थी, गलती से यूपी में चली गई, तो क्या डिपार्टमेंट को वो कंसीडर नहीं कर लेना चाहिए? सर ये 3 स्टेजेस आपने कवर कर ली हैं। एक वो स्टेज है कि मेरी सप्लायर की रिटर्न अमेंडमेंट की स्टेज पे है, तो वो अपना GSTR1 में प्लेस ऑफ सप्लाई अमेंड करे, केस क्लोज करे। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में सारी वेरिफिकेशन 17, 18 और 18, 19 की चल रही है, जिसके लिए ये सब टाइम खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। तो लिटिगेशन चल रही है पास्ट पीरियड की, तो उसके लिए तो ये ऑप्शन 1 अवेलेबल नहीं है। ये कपिल जी की लर्निंग आप प्रेजेंट रिजीम में अप्लाई करें, ये मोस्ट फ्रूटफुल है, लेकिन ये एप्लीकेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली देखेंगे कि 2A रिकंसिलिएशन कोई रियल टाइम बेस पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, सितंबर तक हो जाती है, वही एक अचीवमेंट है। तो ऑप्शन 1 इज द बेस्ट ऑप्शन, बट इट इज प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो कि ये सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। सेकेंड है जो जो स्टेज है वो ये है कि आपका रिफंड विद इन 2 ईयर्स है, उस केस में कपिल जी ने जैसा कहा कि इंडेमनिटी बॉन्ड है, वो आप काम करके देख सकते हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट अकाउंट्स को एडजस्टमेंट चाहिए, जो कि आपकी जब एक रिटर्न का टाइम एलैप्स हो गया वो नहीं हो सकती कि GSTR1 प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दे, तो उसके लिए हमें सेक्शन 77 का ही सहारा लेना पड़ेगा कि जी मैं आंध्र प्रदेश से टैक्स वापस ले रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश को दे रहा हूँ। सर वो करेंगे कैसे? आप सेक्शन 77 और अगर IGST का सेक्शन 19 पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर आपकी सप्लाई CGST थी और आपने IGST कर दी, आपकी IGST थी वो CGST कर दी, तो वो तो कंसेप्ट ही है ना, हमारी तो यहाँ पर सप्लाई IGST ही है। सेक्शन 77 को एक हमें ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देनी है, जिसमें ऐसे केसेस भी कवर हो। ओके, हम उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि उसके उसको कवर करने का एक और बेनिफिट क्या है कि अगर मैं 2 ईयर्स की लिमिट भी क्रॉस कर चुका हूं, जो आज की डेट में एक जेन्युइन पॉइंट है, उसमें वो केसेस भी कवर होंगे, क्योंकि मेरा मानना ही है कि सेक्शन 77 पे 2 ईयर की टाइमलाइन अप्लाई नहीं करती है। ठीक। तो इसीलिए क्योंकि ये केसेस एक ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट की रिकवरी की पावर नहीं है और सप्लायर की जेन्युइन मिस्टेक है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इनवॉइसेस है, किसी में GST नंबर गलत होना एक आम बात है। बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ है, ये सब हम एसएससी कोऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो, क्योंकि उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज अकाउंटिंग किया कि ये पैसा कपिल जी तेरा है, ये क्या पैसा मेरा, ये उनका है, तो अब हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी है, और वो इसी से हो सकती है अगर एसएससी कुछ कोऑपरेट करे, वो ऐसा क्लेम सबमिट करे, तो उसके लिए ये कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मैं इसे नाम देना चाहूंगा फ्रॉम द टैक्स पेयर्स पर्सपेक्टिव, कि इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक प्रोत्साहन मिले, इसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, और ऐसे केसेस के लिए बहुत जल्द एक ऐसा सर्कुलर आए जिससे कि एक चाहे टाइमलाइन दे दे कि 17, 18 और 18, 19 के लिए भैया आपके पास 1 जनवरी 2022 तक का टाइम है, इस तरीके से अपने क्लेम एडजस्ट कर लो, उसके बाद हम नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इन बेसिस पे जो जितने भी हाईकोर्ट के डिसीजन आए हैं, बिथल, मद्रास हाईकोर्ट, JJ एंटरप्राइज, झारखंड हाईकोर्ट, और रिसेंटली भारत एल्यूमिनियम कंपनी का डिसीजन आया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से, उनका रूट कॉज कहीं ना कहीं यही है कि जी मेरा क्लेम जेन्युइन है, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो सप्लायर की। बीतल वाला थोड़ा और डिफरेंट एस्पेक्ट पे था कि सप्लायर
तुम्हें पता है कि सप्लायर ने रिकवरी की नहीं है, फिर भी परचेजर के पास चले गए, तो ये तो और फ्रॉड, ये तो और गलत है असेसमेंट का एक पार्ट। तो मेरा मानना जो पूरा एक टू ए थ्री भी रिकंसिलिएशन की, तो अगर मैं कंक्लूड करने की बात करूँ इस वाले टॉपिक को, तो कंक्लूजन सारे सब्सक्राइबर आप मेरी बात सुन लो, कंक्लूजन ये है आपके पास नोटिस आएगा टू ए वर्सेज थ्री बी का, आप उसे मैच कराइए जितना मैच हो सकता है, और अगर मैच नहीं होता है और सप्लायर ने कुछ गलती कर दी है, सप्लायर ने कुछ गलती कर दिया, किसी दूसरे के जीएसटी नंबर पे डाल दिया है, बी टू सी में डाल दिया है, अगर उसने ऐसी गलती कर दी है तो आप अपना आईटीसी को रिवर्स ना करें, क्योंकि सेक्शन 16 में ये कंडीशन लिखी हुई है कि भैया जो तुम्हारा आईटीसी है टैक्स पेड होना चाहिए। अगर सप्लायर ने टैक्स पेड कर दिया, इनवॉइस आपके पास है, गुड्स आपके पास है, और सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी है और सिर्फ वो 2A में नहीं आ रहा, किसी भी कारणवश से 2A में नहीं आ रहा, तो आपका जो आईटीसी है वो डिनाई नहीं होगा। ये अभिवाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ये चीज़ बोली है, तो आप इसमें ये वाली चीज़ मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अब आप कहोगे सर तो 36(4) की क्या बात है, जो रूल 36(4) की बात है सर, इस पर एक बार और प्रकाश डाल दीजिए एक मिनट में, कि इसमें क्या फिर, क्योंकि यहाँ पर यह भी तो बात हुई होगी, कोर्ट ने भी तो बोला होगा रूल 36(4) भी तो है। सर अभी तक जितने डिसीजंस आए हैं उसमें 36(4) का कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। अच्छा, क्योंकि 36(4) 17, 18, 18, 19 में था ही नहीं। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो 36(4) का कोई बेनिफिट रिलेट कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, हालांकि ऐसा है कि कभी कभी मेरा कोई क्लाइंट का केस आता है और उसकी जो मिसमैच की बैंडविड्थ विद इन 5% होती है, तो एक बार को हम विदाउट प्रिजुडिस करके ग्राउंड डाल देते हैं कि 5% की लिमिट में ही है, छोड़ो हमें। तो भैया बात सुन लो, 17-18 का अगर कोई नोटिस है, 18-19 का कोई नोटिस है, तो 36(4) उस टाइम पर आया ही नहीं था, तो 36(4) को आपको देखना ही नहीं है। रही बात जो 19-20, 20-21 का नोटिस है, उसमें 36(4) के बेसिस पर आपका आईटीसी डिसअलाउ हो सकता है कि 2A में नहीं आया, लेकिन 36(4) से बड़ा है 16, सेक्शन 16, तो आप उसके ग्राउंड पर इन नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपके 2A और 3B में मिसमैच है, तो हमारा सजेशन अभी ये है कि फिलहाल अभी डिमांड जमा ना कराई जाए, आप उस नोटिस को लड़ो, और अगर आपके खिलाफ ऑर्डर भी आ जाता है तो आप अपील में जाओ, कशिश जी आपको जितवा देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इसी वीडियो के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, कशिश सर का भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैगजीन आपको मिल गई होगी सबको, इंग्लिश की भी हिंदी की भी, सर प्रिंटेड कॉपी नहीं मिली, अरे आ जाएगी प्रिंटेड कॉपी भी, एक आध दिन के अंदर आ जाएगी, हमारे यहाँ से डिस्पैच हो चुकी है। जी जी, मैं बोलना चाहूँगा आपकी नेक्स्ट मैगजीन में, जी जी, हम इसका एनालिसिस पूरा डिटेल में देंगे, चाहे वो 4 पेज में जाए चाहे 5 में जाए, अगर कपिल जी परमिट करेंगे। नहीं, बिल्कुल परमिट करेंगे। तो अब की जो हमारा अगस्त का एडिशन आएगा, जुलाई का एडिशन आ चुका है, अगस्त का एडिशन जो आएगा 2A vs 3B पर कशिश गुप्ता जी से एक शानदार आर्टिकल लिखवा कर आपको हम अगस्त एडिशन में देंगे। ठीक है सर? ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।